आसिकपुर दौलतपुर फरतपुर केशवपुर रामचंद्रपुर फुलका गोविंदपुर सारो बाग माता डी सब जाते हैं। हमारे समाज का थर्ड जेंडर जिसको हम हिजड़ा किन्नड़ छक्का और भी बहुत सारे नामों से बुलाते हैं उनको अब हम मेन स्ट्रीम में आए दिन देखते हैं। जैसे कि कोई एक्टर बन रहा है, कोई पॉलिटिशियन बन रहा है, कोई एक्टिविस्ट बन रहा है या तो कोई मॉडलिंग कर रहा है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। मेन स्ट्रीम में आने वाले किन्नर समाज के लोग 1% भी नहीं हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है ये बात किसी से छुपी नहीं है। बिहार के मुंगेर जिले के दिलावरपुर मोहल्ले में एक किन्नर परिवार लगभग 10 दशकों से रह रहा है। चलिए उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबान से सुनते हैं। मुंगेर शहर का वो इलाका है जहाँ बहुसंख्यक रूप से मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। इसी मोहल्ले के बीच लगभग 100 साल से भी ज़्यादा के समय से एक किन्नर परिवार रहता है। समाज में ज़्यादा ना घुलने मिलने वाला ये परिवार मिलने पर बहुत प्रेम पूर्वक स्वागत करता है। शायद हम ही लोग इन्हें ठीक से अपना नहीं पाते हैं। तो मेरा मम्मी पापा है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार डिस्ट्रिक्ट। हमको रखता नहीं, हम जाते नहीं हैं। हाँ बचपने से मैं हो संभाला तब से मैं चले आए। गांव नाव नहीं याद है, उसका बाद से हिजरों में आ गए। हिजरों में खा रहे हैं, कमा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना घर मकान बना के इसी जगह रहते हैं। नहीं वो लोग निकाला नहीं किसी को, बाल बच्चा बाप माई नहीं निकालता है। बात रह गया जो पुलिस का जरिए हिजरों लोग निकाल लिया, उसका बाद से चले आए। 2-3 बार बाप माई मेरा पकड़ ले जा रहा था, मैं फिर चल आते थे, घर में नहीं रह सकते हैं। अब बाप आपके हिजरों का घर में आ गए, यह उन लोग का संग में गुरु मेरा थी, उनका सेवा बर्दाश्त करते थे, मांग के खिलाते थे। वो मर गई तो हमको रजगद्दी मिल गया। अब हम घर में बैठ गए, 70-75 बरस का उम्र हो गया। अब एक मेरा चेला है, वही मांग के लाती है, नाच गा के लाती है। गीता जी ने हमें बताया कि उनके माँ बाप उन्हें लेने के लिए कई बार आए, लेकिन उनके ना जाने का कारण कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस था। उनके माँ बाप उन्हें रखना तो चाहते थे, लेकिन समाज के सामने ये कबूल नहीं करना चाहते थे कि उनका बच्चा एक किन्नर है। चाहते हैं हम तो किन्नर हैं और उनके परिवार में जाएंगे इतई नतई, हर एक जगह गांव समाज में हल्ला हो जाएगा। जे हिजरे हैं इनका घर में रहते हैं, जात बेआदर से छाँट देगा लोग, कोई भी आ शादी में लेकिन लग जाएगा बाल बच्चों का। उससे अच्छा हम लोग अपना जिंदगी अपने संभालते हैं। अभी हमारा साथ में है चेला चटिया है, जहते हैं मांग रहे, कोई जमुई में रहता है, कोई जमालपुर में रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है। वो लोग आता है, एक बार पर्व त्यौहार होता है तो आता है मिलने जुलने, अपना खाता कमाता है अलग। यहाँ हम लोग दो है, एक ढोलक वाला मास्टर है, उनका से हिजरों समाज से कोई लेन देन नहीं है। वो अपना कमाते हैं, मजूरी लेते हैं, अपना बाल बच्चा में जाते हैं। हम लोग दो गो जदी है, एक कंचन नाम करके मेरा चेला है और एक हम है। अपने साथ हुई किसी भी घटना को लेकर किसी को दोष न देने वाले गीता जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन अजमेर से वापस आने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उनके लिए उनका हज करना किसी बहुत बड़े अचीवमेंट से कम नहीं है। धर्म अपनाए थे इसलिए अपना हम हज मदीना करके आ गए। हम तो जात के पहले माँ बाप को घर के पैदाइशी हिंदू का पेट का है, फिर भी इस समाज में किन्नर समाज में आए तो अपना इस्लाम कबूल कर लिए ना। हम लोग का किन्नर है, कोई जात रहेगा हम लोग एक साथ रहते हैं। देखिए घर है, हाँ मैं यहाँ लेटती हूँ। इसमें मेरा वो गुरु है, हाँ सबसे पहले गुरु, और नीचे में भी एक गुरु है, एक हम है, हाँ बगल में, और ये दोनों तस्वीर हमारे हैं तीनों।
बहुत सुंदर लग रही हैं। ए हमरे है और मेरा गुरु थी मीना हाजी, उनकी नाम है। गीता जी से बात करने के बाद हमने उनकी शिष्या कंचन जी से भी बात की, जो उस वक्त बाहर गई हुई थी। हमारा नाम कंचन है, गीत कंचन हिजरा। गीत कहाँ रहती है? हम गीता हिजरा का चेला है, मुंगेर में रहते हैं, दिलावरपुर में भोला मंदिर गली। हाँ, सारे का मालिक मेरा गुरु है, भागलपुर, जमालपुर, मुंगेर, मोकामा, सबका मालिक मेरा गुरु है। हमारा पता ठिकाना नहीं, माए बाप कहाँ है नहीं है, मेरा माँ है, बाप है, जो भी है हमारा यही है। मेरा दाता जजमान के बाल बच्चा बच कर है, मेरे जजमान देते हैं, दो पैसा चार पैसा मैं खाती हूँ, पीती हूँ, जीती हूँ, अपना गुरु भी जिलाती हूँ, मैं भी जीती हूँ। हम यहाँ करीब करीब 20-25-30 साल से रह रहे हैं अपने गुरु के पास। देखिए, आपका ऐसा माहौल आ रहा है, जैसा समय आ रहा है, जिसको दिल चाहता है पढ़ने के लिए पढ़ सकता है, लिख सकता है, नौकरी सर्विस कर सकता है। अब हम लोग को तो नौकरी सर्विस होगा नहीं, हम लोग अभी पढ़ नहीं सकते हैं, और हम लोग आगे क्या कर सकते हैं? अब यही 10 द्वार का आस है। अब हम यही चाहते हैं जो किन्नर पैदा लेंगे, आएंगे हमारे पास में, वो अपना पढ़े लिखे, तरक्की करे। हम लोग तो नहीं पढ़ लिख सकें, वो पढ़ लिखे इंसान बने, नौकरी सर्विस करे। अब इसमें है क्या? हम तो इतने ही जानते हैं, हम तो और कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं पढ़ सकते तो उसको अनपढ़ गमार थोड़ो रखेंगे, जाहिल जपड़ थोड़ो रखेंगे।